इंडिया के नंबर वन ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ ₹20। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। वेलकम टू स्टॉक वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स जो आपको बोनस या स्प्रेड से मालामाल कर सकते हैं। अगर आप बोनस और स्प्रेड बेसिस पे शेयर्स एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये ऐसे शेयर्स हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली परफॉर्म करने वाले ये शेयर्स हैं। इनको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे रिटेल व्यूअर्स हमारे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से शेयर हैं जो आपको 2021-22 के आसपास बोनस या स्प्रेड दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर मैंने 25 कंपनीज की लिस्ट आपके सामने लगाई थी, उसमें से 6 कंपनीज ने ऑलरेडी आपको बोनस या स्प्रेड दे दिया है। तो यहाँ पे उन कंपनीज को हम शामिल नहीं करेंगे, उन कंपनीज को यहाँ पे शामिल करेंगे जो कंपनीज इन फ्यूचर बोले तो 2021 में मोस्ट प्रोबेबली अपना स्प्रेड या बोनस अनाउंस कर सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोनस के टाइम पे जब अनाउंसमेंट होता है या स्प्रेड के टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका शेयर प्राइस ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो जाता है। वहां पे आपको 10-15% शेयर एक्सपेंसिव मिलता है और उसके बाद से आपको कमाने के लिए अर्निंग करने के लिए ज्यादा आपको रेंज नहीं मिल पाती है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप अभी से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको जरूर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बोनस या स्प्रेड से मालामाल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉक वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने करंट स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो आप जिरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप शेयर्स जो 2021 या 22 में बोनस और स्प्रेड से मालामाल कर सकते हैं। अब बोनस और स्प्रेड से इन्वेस्टर कैसे मालामाल होता है इसके बारे में भी समझेंगे और ये कंपनीज आपको बोनस और स्प्रेड क्यों देती हैं। यहाँ पे हम लगभग 11 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऑलरेडी हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई कंपनीज प्रोवाइड बोनस और स्प्रेड। ओके, तो कंपनीज बोनस और स्प्रेड क्यों देती हैं। अगर हम बात करें एक स्टॉक की, लेट से हमने इससे पहले डिस्कस किया था डिक्सन टेक्नोलॉजी, शेयर का प्राइस 19,000 के आसपास था। तो यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर एक शेयर खरीदने के लिए सिंगल शेयर के लिए ₹19,000 नहीं पे करेगा और इससे मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। अब बोनस और स्प्रेड का मेन रीजन क्या होता है? स्टॉक एक्सपेंसिव हो पाना, स्टॉक में लिक्विडिटी ना हो पाना। अब लिक्विडिटी का मेन मतलब क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं। अगर ये स्टॉक ₹19,000 का है, जिसने लिया हुआ है वो तो सेल करना चाहता है लेकिन उसको बायर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे बायर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर को हाई प्राइस वाले शेयर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए भी कंपनीज अपना लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए बोनस या स्प्रेड प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो उस रिजर्व को यूज करने के लिए भी कंपनीज बोनस स्प्रेड देती है। दोस्तों, अब यहाँ पे वन बाय वन इन कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कंपनी है एप्पल इंडिया लिमिटेड। एप्पल इंडिया के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाया है जहां पे आपने देखा है कि ये कंपनीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर सकती है। हालांकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ऑलरेडी स्प्रेड अनाउंस हो चुका है, रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो इसका शेयर प्राइस लगभग ₹5,838 का है। अगर इसका हाई देखें ₹6,287 का है और इसका फेस वैल्यू ₹10 का है। अब यहाँ पे शेयर का प्राइस हर दिन ऊंचा जाता रहा है, लगभग ₹8,000 तक इस साल ये शेयर का प्राइस जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी काफी कम हो जाएगी। एक मिड कैप स्टॉक बन चुका है। आपने देखा कि लॉकडाउन के बाद से, कोरोना इंपैक्ट के बाद से, जैसे ही स्टॉक मार्केट ने अपना मोमेंटम दिखाया है तो यहाँ पे इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे अब ये एक रिटेल इन्वेस्टर की पकड़ में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आप इसे अभी से एक्युमुलेट करते हैं तो हो सकता है कंपनी आपको स्प्रेड अनाउंस कर दे। यहाँ पे एक शेयर के बदले 5 शेयर या 10 शेयर भी मिल सकते हैं, तो डिपेंड करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के ऊपर। तो आप एप्पल इंडिया को टॉप पे रखिएगा और इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
अगला स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेस लिमिटेड। इंडिया मार्ट के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया मार्ट क्या काम करती है, इंडिया मार्ट का बिजनेस क्या है, किस तरीके से ये रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट किन किन कंट्रीज में कंपनी है। डेडिकेटेड वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं, आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको जरूर इसके बारे में आइडिया होगा। करंट प्राइस की बात करें 8401 रुपए का करंट प्राइस है। इसके हाई की बात करें 9952 का हाई है। लगभग ये इस साल 10,000 रुपए को टच करता हुआ नजर आने वाला है अगर मार्केट में इसी तरीके की तेजी रहती है तो। इसका मार्केट कैपिटल आप देख रहे हैं 25,509 करोड़ हो चुका है और ये कंपनी लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 साल हुए हैं और इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए की है। हो सकता है कंपनी लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए कंपनी बोनस और स्प्लिट अनाउंस कर दे, तो यहाँ पे आप बोनस और स्प्लिट के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने वाले इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं ये। इसके बाद अगला स्टॉक है इंफोसिस लिमिटेड। हालांकि इंफोसिस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पिछला जब कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 1400 रुपए के आसपास था, तो ये स्टॉक लगभग उसी टेरिटरी में ट्रेड होता नजर आ रहा है। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें 582,817 करोड़ और अगर इसकी फेस वैल्यू देखें 5 रुपए की फेस वैल्यू, तो यहाँ पे स्प्लिट होने के चांसेस हैं और ये हाईली रिकमेंडेड स्टॉक भी है आफ्टर TCS। ओके, तो अगर आप IT सेक्टर के टॉप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, TCS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हम आपको रेगुलरली बताते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे इन्फोसिस या तो बोनस देगा या फिर आपको स्प्लिट देगा 2021 या 22 में। ये एक पिछले हिस्ट्री को देख के हम बता रहे हैं, ये कोई एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि कंपनी आपको बोनस या स्प्लिट देगी, लेकिन कंपनी का पिछला बिहेवियर को देखते हुए हमने ये पूरी लिस्ट तैयार की हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। अगला स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने पिछला जब बोनस दिया था 1600 रुपए के आसपास बोनस दिया था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका करंट प्राइस 1524 रुपए का है। मार्केट कैपिटल की अगर बात करें 214,064 करोड़ और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए की है, तो यहाँ पे स्टॉक में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती जा रही है। जिस तरीके का शेयर का प्राइस हाई होता जा रहा है, जिनके पास शेयर है वो सेल नहीं कर रहे क्योंकि उनको उम्मीद है कि शेयर का प्राइस यहां से 2000 रुपए भी जा सकता है और जो बायर है वो शेयर का प्राइस एक्सपेंसिव होता देख के उसकी तरफ नजर भी नहीं दे रहे। तो आपको यहां पे लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए कंपनी L&T लिमिटेड आपको बोनस या स्प्लिट से रिवार्ड कर सकती है, तो इसीलिए अभी से यहां पे इन कंपनीज में एक एक दो दो शेयर लेके आप छोड़ सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका होगा, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैं सिंपली आपको यहां पे इन स्टॉक्स के बारे में आइडिया दे सकता हूं क्योंकि बहुत सारे रिटेल व्यूअर्स हमारे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी आगे चलकर बोनस दे सकती है ताकि वो अभी से इन कंपनीज को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सके। हालांकि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, आपको जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाना हो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के ऊपर पोर्टफोलियो बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे पैनी स्टॉक या मिड कैप स्टॉक्स में ही पैसे डालने हैं, जो कंपनी आपको आगे चलकर ग्रोथ दे सके तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस का अपना भाई है। अगर बात करें इसके मार्केट कैपिटल की 1,59,000 का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 9,991 रुपए का है। अगर बजाज फिनसर्व के पिछले स्प्लिट की बात करें तो 10,000 रुपए जब इसका शेयर का प्राइस हुआ था तो वहां पे स्प्लिट हुआ था, 10 से 5 रुपए की फेस वैल्यू हो गई थी, तो यहां पे भी उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको स्प्लिट दे सकता है या फिर आपको यहां पे बोनस मिल सकता है। आई होप कि यहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी स्प्लिट ही अनाउंस करेगी, तो स्प्लिट के लिए आप बजाज फिनसर्व में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए भी काफी अच्छा स्टॉक है। इसके बाद अगला स्टॉक है इन्फो एच इंडिया लिमिटेड। ये भी हमारी तरफ से स्टॉक वाला यूट्यूब चैनल की तरफ से रेकमेंडेड स्टॉक है। अगर आप इन्फो एच लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला स्टॉक है। आपने naukri.com का नाम सुना होगा, naukrikalp.com या jeevansathi.com, 99acres.com, shiksha.com, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी कंपनी के हैं और ये कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें 4,870 रुपए का करंट प्राइस है। अगर 52 वीक हाई की बात करें 5,880 रुपए का इसने हाई बनाया है। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें 62,715 करोड़ एंड फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो आई होप यहां पे ये कंपनी आपको स्प्लिट दे सकती है, तो यहां पे स्प्लिट हो सकता है, इसलिए आपने इसे एक्युमुलेट भी करना है और लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड स्टॉक भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपने इन्फोएज को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अब स्टॉक खरीदने का एक ही तरीका है, SIP मोड्स में आपने स्टॉक्स खरीदने हैं, लमसम में कभी भी स्टॉक नहीं खरीदने हैं। लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जब आपको स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है।
लॉन्ग टर्म बोले तो 20 साल का अगर नजरिया लेके चल रहे हैं तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लमसम में कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछला जब बोनस दिया था लगभग इसी रेंज में इसने बोनस दिया था। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें 14,37,132 करोड़ का मार्केट कैपिटल हो चुका है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है एंड करंट प्राइस 2182 रुपए का इसका करंट प्राइस है। अगर आप इसकी फेस वैल्यू देखें 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो यहाँ पे स्टॉक एक्सपेंसिव होता नजर आ रहा है और साथ ही साथ स्टॉक में स्प्रिट के पूरे चांसेस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर कंपनी यहाँ पे जियो को अलग करती है, जियो एज ए टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर नया प्लेयर निकल के आता है तो यहाँ पे हो सकता है जिनके पास ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पड़े हुए हैं उनको जियो का एक दो शेयर भी मिल सकता है, तो इसलिए भी आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आप मेरा इंटेंशन समझ पा रहे हैं, मैं किस लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। और इंडिया की टॉप प्लेयर है, इंडिया का टॉप स्टॉक है, तो इसलिए भी आपने यहाँ पे अपना कुछ पैसा लगाना चाहिए। अगला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS के नाम से इस स्टॉक को जाना जाता है। पिछला बोनस भी स्टॉक ने इसी रेंज में दिया था, लगभग 3500 रुपए के आसपास इसका बोनस आया था। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें 11,35,960 करोड़, ये जस्ट आपके रिलायंस के बाद का सेकंड बड़ा स्टॉक है, सेकंड बड़ी कंपनी है इंडिया की। अगर हम बात करें पिलर ऑफ निफ्टी 50 तो ये दोनों स्टॉक निफ्टी 50 के पिलर कहे जाते हैं। करंट प्राइस की बात करें 3,071 रुपए का करंट प्राइस है, फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपए की है, तो यहाँ पे आपको बोनस मिल सकता है, तो बोनस के लिए आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस आपको ये स्टॉक रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी देता है। अगला स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जॉकी ब्रांड आपने जरूर यूज किया होगा, जॉकी के अंडरवेयर्स हैं, जॉकी के अपने एसेसरीज हैं आपने जरूर यूज भी किए होंगे, तो इसलिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा ब्रांड भी है, एक अच्छा स्टॉक भी है। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें 31,586 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और करंट प्राइस 28,328 रुपए का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मार्केट कैपिटल और शेयर का प्राइस एग्जैक्टली सही मुझे नजर आता है, तो आप यहाँ पे स्टॉक में हो सकता है स्प्लिट आ जाए क्योंकि स्टॉक काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। अगर आप स्टॉक खरीदना चाहेंगे तो आपको ये स्टॉक बहुत ही पैसा डालना पड़ेगा, एक सिंगल स्टॉक खरीदने के लिए आपको 28,328 रुपए आज के रेट के अकॉर्डिंग देने हैं। अगर इसके हाई की बात करें 32,372 रुपए का इसने हाई बनाया है। दोस्तों आपने देखा होगा जब स्टॉक एक्सपेंसिव हो जाता है तो वहां पे कंपनी डेफिनेटली स्प्लिट करती है। अगर आप अभी पेज इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहते हैं तो आपको 28,000 रुपए देने होंगे, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बोले तो एक शेयर इसका लेके छोड़ सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका होगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने इसी स्टॉक में पैसा डालना है। अगले स्टॉक की बात करें एम्बर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। एम्बर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटल 11,620 रुपए का है एंड करंट प्राइस 3,449 रुपए का है। इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपए का है और इसका 52 वीक हाई 3,668 रुपए का हो चुका है। यहाँ पे कंपनी आपको या तो बोनस देगी या फिर आपको स्प्लिट से रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आप इस कंपनी में एक या दो शेयर लेकर छोड़ते हैं तो आपको जरूर फायदा आगे चलकर मिल सकता है आने वाले दिनों में। ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ 2021 में ये कंपनी बोनस दे सकती है, हो सकता है कंपनी आपको 22 में भी बहुत अच्छा बोनस या स्प्लिट अनाउंस करे। अगला और लास्ट स्टॉक है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HDFC ग्रुप का ये स्टॉक है और अगर आप इसका करंट प्राइस देखें 2600 रुपए का करंट प्राइस है। अगर आप इसके 52 वीक हाई की बात करें 2896 रुपए का इसने हाई बनाया है। अगर इसका फेस वैल्यू देखें 2 रुपए की फेस वैल्यू है, लगभग 3,000 रुपए के आसपास स्टॉक का स्प्लिट आया था जब ये स्प्लिट हुआ था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रेंज भी उसी के अकॉर्डिंग अभी नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस स्टॉक में स्प्लिट के लिए या बोनस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें 4,68,879 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और ये करंट प्राइस आपको लगभग बोनस और स्प्लिट के रेंज में रेंगता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फुली डिसीजन होगा आपका। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी से इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, आई होप कि आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप देखते हैं कि हम जो स्टॉक आपको रेकमेंड करते हैं, हम जो स्टॉक आपको बताते हैं, जिस स्टॉक का एनालिसिस हम प्रेजेंट करते हैं, उसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले
इन्वेस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स ही प्रेजेंट करता हूँ और ये सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपने जिरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि जिरोधा में डिलीवरी में कोई भी चार्जेस नहीं है, यहाँ पे आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं ली जाती। तो आप जिरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप कि आपको यहाँ पे टॉप शेयर्स जो 2021 या 22 में बोनस और स्प्लिट से मालामाल कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल आइडिया समझ में आ चुका है और ये मोटो आपको भी समझ में आ चुका है कि लॉन्ग टर्म में आप बोनस और स्प्लिट के बेसिस पे अच्छे खासे शेयर एक्युमुलेट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।